जा रही हूँ अपने नजदीकी ग्राम सभा आशा बहू के घर, वहाँ पे जा रही हूँ मैं फलेरिया की दवा लेने। अब आप दोस्तों सोचेंगे फलेरिया क्या है। फलेरिया एक रोग है दोस्तों, जो एनाफिलीस मादा मच्छर के काटने से होता है दोस्तों। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और पानी ना इकट्ठा होने दें। बारिश के पहले आप अपनी नालियों को की सफाई कर दें, ताकि बारिश में पानी ना जमा हो, मच्छर ना उसमें पनपने पाए। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने नजदीकी आशा बहू के घर। और आपको बहू बाटी अंदर हुए? अच्छा, मैं काम खाना बनाती हूँ। अच्छा, कई पतुआ है आपके? अकेले। अच्छा, ए बच्ची अपने मम्मी को देख, बुला ला खाना बना ली हुए। तो आशा बहू का घर है ये, जहाँ पे हम आए हैं दवा लेने। और भाई, हाँ नमस्ते भाभी, आओ ठीक है। अच्छा, बना ले रोटियाँ कि छोड़ के आए? बनाते रहे रोटी, बनाते रहे। अच्छा 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 अच्छा, चलो। तो आपके पास है दवा फलेरिया वाली? हाँ हाँ, तो वही हम ले। हम कह सबका खवा दी, हम खा ली, बाबू अम्मा खवा दी, बच्चों का खवा दी। नहीं जाके ले, जिसे ले आए उसे। उनके मोबाइल पे मैसेज आया, मोबाइल पे ये वाला फलेरिया वाली मैसेज आ चुका है। हाँ, तो हम कहें चलो, हम चली गई दवाई ले आई। भाभी जी हैं आशा बहू, हमारी ग्राम सभा के आशा बहू हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उनके घर पे हम आए हैं। तो भाभी जी आप कुछ बोल दीजिए हमारे दोस्तों को। करौधिया गांव की बहन जी हैं, जो है कि दवा वहाँ पर आज मैं बांटने वाली थी, लेकिन ये आए हमारे घर से ले जा रही है। इतनी जागरूकता है, सभी लोग अपने अपने आकर दवाई ले जाकर खा रही है। देखिए भाभी जी भी कह रही हैं, तो दोस्तों आप भी जाइए दवा लेकर आइए और भारत को फलेरिया मुक्त बनाइए। धन्यवाद, नमस्ते। अरे हमारे वर्ण धर्म बच्चे। हाँ कोई बात नहीं, आपके पैर में ही तो स्वर्ग है। हाँ तो नमस्ते अम्मा, जा थी है? हाँ जाओ बहन। भाभी नमस्ते, ठीक है? नमस्ते भाभी, हैं चलो फिर जाते।